आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। लखनऊ में योगी सरकार की कैबिनेट ने विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने के एक दिन पहले अहम बैठक कर 16 बिंदुओं को मंजूरी दे दी। इस बैठक में सीएम आदित्यनाथ समेत अन्य मंत्रियों ने चर्चा कर कई अहम फैसले लिए। वहीं बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए यूपी कोका और सचिवालय में बायोमेट्रिक लागू करने को भी मंजूरी दे दी गई। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को इस बात की जानकारी दी। कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण फैसला है, भूमि की उर्वरता को अक्षुण बनाए रखते हुए अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने के दृष्टिकोण एवं रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव से बचने, भूमि में कार्बन नत्रजन अनुपात को बढ़ाने, कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक आबाद राजस्व ग्राम में एक इकाई प्रतिवर्ष स्थापित कराए जाने की योजना स्वीकृत की गई है। सिद्धार्थनगर में प्राथमिक स्कूल का औचक निरीक्षण करने के लिए निकले जिलाधिकारी पाटनी जंगल गांव पहुंचे। यहां स्थित प्राथमिक विद्यालय में अचानक डीएम को देख स्कूल के टीचर से लेकर छात्र तक हतप्रभ रह गए। वहीं जिलाधिकारी ने क्लास में बच्चों से पाठ पढ़वाया, साथ ही शौचालय का हाल भी देखा। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बच्चों के बीच बैठकर मिड डे मील का बना भोजन कर उसकी गुणवत्ता भी चेक की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गरीब छात्रों को नई चप्पलें भी बांटी। बहराइच में समिति के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिले के सभी ब्लॉक के रोजगार सेवकों ने विकास भवन पर नारेबाजी की। अध्यक्ष ने कहा कि 15 माह से अधिक समय का मानदेय बकाया है, तो वहीं मास्टर रोल पर रोजगार सेवकों को बिना हस्ताक्षर के ही भुगतान किया जा रहा है। मांगों को लेकर रोजगार सेवक पानी की टंकी पर चढ़ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराया, जिसके बाद नगर मजिस्ट्रेट को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। वर्ष 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले में मारे गए शहीद देशराज मावी को श्रद्धांजलि देने एमएस बिट्टा गाजियाबाद स्थित उनके घर पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए एमएस बिट्टा ने कहा कि देश सिर्फ राजनेताओं का नहीं है, इस देश के बारे में यहां की जनता को भी सोचना होगा। वहीं नौजवानों की फौज में कम रुचि लेने के बारे में उन्होंने कहा कि देशभक्ति के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए, क्योंकि भारत देश नौजवानों का देश है। मुजफ्फरनगर में शहर के बच्चन सिंह चौक पर महिला थाना प्रभारी मीनाक्षी शर्मा द्वारा दो पहिया वाहन चालकों की चेकिंग की गई, जिसमें वाहनों के कागजात और हेलमेट के साथ एक वाहन पर 3 सवारी आदि की जांच पड़ताल की गई। वहीं इस चेकिंग के दौरान लगभग 15 वाहन चालकों के चालान काटे गए, साथ ही 2 वाहन सीज भी किए गए हैं। बलिया में रसड़ा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रदीप सिंह की पुण्यतिथि उनके आवास छितौनी गांव में श्रद्धांजलि देकर मनाई गई। इस मौके पर विधायक के भाई ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखा। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वर्गीय चंद्रदीप सिंह समाज के एक अच्छे समाज प्रहरी थे, ऐसे लोग मरने के बाद भी अपना नाम समाज में छोड़ जाते हैं। जौनपुर में एक युवक को पशु तस्करों का पीछा करना उस समय भारी पड़ गया जब तस्करों ने युवक को गोली मार दी, जिसमें घायल होने पर युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बांधगांव के पास पिकअप पर पशु लाद कर ले जाते देख सुल्तानपुर निवासी ने उसे रुकवाने के लिए बाइक से पीछा किया। इस दौरान पिकअप सवार लोगों ने उसे गोली मार दी। पुलिस इस मामले में पशु तस्करी का जिक्र न करते हुए सिर्फ पिकअप सवार लोगों द्वारा गोली मारे जाने की बात करते हुए जाँच कर रही है। जौनपुर में सड़क किनारे खड़े ट्रक में रोडवेज बस की टक्कर लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 9 यात्री घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया, साथ ही शवों को कब्जे में लेकर घटना के कारणों की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद से गोरखपुर जा रही रोडवेज बस जैसे ही जौनपुर के सतरिया पहुंची, वहां सड़क किनारे खड़े गैस लदे ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। हमीरपुर में खूनी हाईवे के नाम से मशहूर नेशनल हाईवे 86 पर एक इंजीनियरिंग छात्रा को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। पेपर देकर लौट रही इस छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना से गुस्सा इंजीनियरिंग के अन्य छात्रों ने हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस से छात्रों की जमकर नोकझोंक हुई। वहीं घटना के कई घंटों बाद पुलिस ने जाम को खुलवाया।
गाजियाबाद में लोनी के मंडोला गांव में पिछले लगभग 150 दिनों से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि मंडोला आवास विकास योजना के अंतर्गत मंडोला सहित 6 गांव की जमीन को प्रशासन द्वारा गलत तरीके से अधिग्रहण किया गया है, जिसका विरोध किसान कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि उनकी जमीनों का उचित मुआवजा दिया जाए और साथ ही किसान नेता पर लगाए गए जिला बदर हटाया जाए। बता दें कि यहां किसान अर्धनग्न होकर धरने पर बैठे हैं, तो वहीं प्रदर्शन के चलते 2 किसानों को लकवा भी मार गया है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।